एक दो पैर के उंगली पर हम खड़ा है अभी, मेरे पैर का भार जो है सो पैर के उंगली पर है और पैर की उंगली पर ही इसको रखना है पंजे में, इसमें पंजा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। आज हम कमर का एक्सरसाइज करके बताने वाले हैं आप लोगों को, कि जैसे कमर में दर्द होता है और हमारा ऑपरेशन होने के बाद रीढ़ की हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो हम एक ऐसा एक्सरसाइज करके बताएंगे जिससे कि रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ऊपर नीचे मूव भी आसानी से कर सकता है, चाहे इधर मूव कराना हो, इधर मूव कराना हो, या झुकना हो या खड़ा होना हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। और साथ साथ हमारा जो हिप का मसल है वो मसल भी मजबूत होता है। तो आइए दोस्तों, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज जो लोग उठकर बैठ जाते हैं, जो करवट लेकर के पेट के बल सो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, उनके लिए है। जो आदमी नहीं बैठ सकते, नहीं खड़े हो सकते, उनके लिए हमने एक्सरसाइज बताया हुआ है। उनको वही कमर उठाने वाला एक्सरसाइज करना है, पैर ऊपर करने वाला एक्सरसाइज करना है, घुटना ऊपर करने वाला एक्सरसाइज करना है। और जो लोग पट हो मतलब पेट के बल सो सकते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज है दोस्तों। इसको भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन में आपको एक्सरसाइज करना है जिसमें कि आपको इस तरह से हाथ को रख लेना है और पैर को मोड़ कर अपने हिप में सटाना है, पैर को मोड़ करके अपने हिप में सटाना है। देखिए पहले हम एक पैर मोड़ेंगे, उसके बाद फिर दोनों पैर मोड़कर करेंगे। देख लीजिए मेरा सर इतना उठा हुआ है और ये जो है कमर, ये जो है सो नीचे गया हुआ है और मेरा एरी जो है वो यहाँ पर टच करना चाहिए, इसको टच करना चाहिए। अब दोनों पैर एक साथ मोड़ेंगे, देखिए दोनों पैर एक साथ मोड़ेगा, भुजंगासन में ही हम अपने सर को ऊपर उठाएंगे, मेरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर को नहीं मोड़ना है और हाथ के बल पर फन इसको ऊपर उठाना बोलते हैं, जैसे नाक जैसे फन उठाता है सांप, इसी तरह से इसको फन उठाना इसको बोलते हैं। ऐसे करके हाथ कर लेना है और जमीन पर रखना है हाथ को, और जमीन पर रखने के बाद ऊपर उठते समय सांस भरना है पूरा और नीचे जाते समय सांस को छोड़ना है। उसके बाद अब दोनों हाथ को बगल में रखेंगे, ठीक है, और इस तरह तलवे को जमीन पर रखेंगे और उसके बाद सर को उठाना है नीचे सटा करके जमीन में, थोड़ी हमारा जमीन में सटना चाहिए, सटने के बाद ऊपर उठाना और ऊपर कुछ सेकंड रुकना है ऊपर में, फिर धीरे धीरे नीचे आना है, फिर सांस भरते हुए ऊपर आना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है।
भुजंगा। इसके बाद आपको जो है सो दोनों पैर को पकड़ लेना है इस तरह से, देखिए इस तरह से पकड़ करके और गर्दन और घुटना दोनों ऊपर उठाना है, देख लीजिए। एक मेरा घुटना उठा हुआ है देख लीजिए, और मेरा सर भी उठा हुआ है, केवल पेट मेरा सटा हुआ है जमीन में। एक दो पैर के उंगली पर हम खड़ा है अभी, मेरे पैर का भार जो है सो पैर के उंगली पर है, और पैर के उंगली पर ही इसको रखना है। पंजे में इसमें पंजा और आपका कमर दोनों पर जोर पड़ता है। इसमें 30-40 राउंड हम लगा लेते हैं। तीस से चालीस राउंड हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को, और बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, तुरंत थका देता है, थकान बहुत जल्दी हो जाता है, और इस एक्सरसाइज करने के बाद सीधा लेट जाइए, बहुत अच्छा नींद आता है, इतना थका देता है कि बहुत नींद आता है, और दर्द भी ख़त्म कर देता है जल्दी। अब अगले वीडियो में फिर एक्सरसाइज करके बताएंगे, तब तक के लिए अब एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि आप लोग भी एक्सरसाइज कीजिएगा, और एक्सरसाइज कीजिएगा तो पूरे तन मन धन से कीजिएगा, मन लगा कर कीजिएगा ताकि वो एक्सरसाइज फायदा करे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग फॉलो करेंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री राम, श्री सीताराम, प्रणाम।